नमस्कार, स्वागत है आपका केजीआर न्यूज में। हूँ आपके साथ कंचन सिंह राज। तो ये शुरुआत करते हैं खबर की। मुसलमान से बे नहीं, आतंकी की खीन नहीं, यह कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अरुण मिश्रा का। कोटेगांव स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में जगतगुरु स्वामी सर्वानंद सरस्वती महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री जबलपुर पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद मीडिया से चर्चा की। चर्चा में गृह मंत्री ने चिरपरिचित अंदाज में त्योहारों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का भरोसा जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से साइबर क्राइम का ट्रेंड आया है, तब से पुलिस भी अपडेट हो गई है और लगातार अपराधों पर लगाम लगाई जा रही है। बीते दिनों जबलपुर में ही लूट, डकैती और चोरी की बड़ी वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। देश में हिंदू मुसलमान को लेकर जारी बयानबाजी और कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम रहीम और रस खान के उपसाक रहे हैं। हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुम्बक्रम की है, हम किसी के विरोधी नहीं है। उज्जैन और इंदौर में PFI टेर फीडिंग को लेकर कार्रवाई पर गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी 4 एजेंट पर UAPA के तहत देश विरोधी गतिविधियों की कार्रवाई की गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए, भाषा संयमित होनी चाहिए, संस्कारित होनी चाहिए। शब्दों का बहुत महत्व होता है और इसलिए मेरा मानना है कि शब्द संतुलित होना चाहिए, असंसदीय भाषा न बोलें तो अच्छा है। किस तरह से, मतलब श्रद्धांजलि तो श्रद्धा से ही दी जाती है, हम श्रद्धा से ही नमन करते हैं। और हमारे हिंदू धर्म की ध्वजा पताका को फहराने वाले हमारे बीच नहीं, और उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको नमन करने के लिए जा रहे हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। भाई वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में ही क्यों, और जगह भी तो जाइए। बाकी जगह अभी छिंदवाड़ा में भी जितनी नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के पहले चुनाव हुए थे, सब में कांग्रेस हार गई थी। मुझे नहीं लगता कि अब छिंदवाड़ा में भी वो बचा पाएंगे। कांग्रेस के लोग भी और जनता भी अब कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ गई है कि यहाँ सिर्फ जवानी जमा खर्च है, ये करते कुछ भी नहीं है। जनता को मुसीबत के वक्त कभी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। पूरे कोरोना काल में कमलनाथ जी से लेके माननीय सोनिया जी तक, आपको किसी एक अस्पताल में, किसी एक जगह दवा बांटते हुए, एक जगह अनाज बांटते हुए, खाद्यान्न बांटते हुए, इन दोनों और इनके अनुयायी आपको दिखे ही नहीं होंगे। अभी बाढ़ आ गई इतनी ज़्यादा, अब ये जब बाढ़ उतर जाती है तब जाते हैं कुछ कांग्रेस के लोग। का बरसा जब कृषि सुखानी, आप बाढ़ में मदद करने जाते नहीं हो, बाद में हालात देखने जाते हो। देखिए ये अब वो दौर नहीं है कि आप TV और ट्विटर और पेपर पर राजनीति चला लें, उसके लिए जनता के बीच में आना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट सोच है, शुरू से ही है, और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रस खान के उपासक रहे हैं, जो रहीम कहते थे कि धूर लेत सर पे धरें कहो रहीम के ही काज, जही रज मुन पुतनी तजी ते ही ढूंढें गजराज। हम रस खान के उपासक रहे हैं, जिसने कहा था कि मानुष हो तो वही रस खान बसो, ब्रज गोकुल गांवों के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, और इसलिए श्रद्धेय का माननी का जाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है और नीचे तक बहुत अच्छा विषय गया। ATS और NIA के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था। देश में कई जगह PFI की गतिविधियों पर NIA के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल हैं। 4 लोगों को कल ATS ने गिरफ्तार किया है, एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। इन तीनों पर
यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है, इसकी यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का। आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना, ब्रेन वॉश करना, इस तरह की चीज़ें आई। पूरी मुस्तैदी के साथ में लगातार त्योहारों का सीजन ही, महीना पूरा त्योहारों का ही रहने वाला है। कल से नवदुर्गा की शुरुआत है, नवदुर्गा समाप्त होगी तो दशहरा आ जाएगा, दशहरा के बाद फिर धनतेरस, दिवाली की देवउठान की ओर बढ़ जाएंगे। तो लगातार एक दो महीना है, इसलिए ग्राउंड लेवल पर रात्रि गश्त, सर्चिंग, ये सब बताया गया है। वैसे भी अगर हम देखेंगे हमारे जबलपुर पुलिस के संबंध में, तो जो अपराधों में, संपत्ति में रिकवरी की रेट रहती है वो हमारे यहाँ पर 72% है। राष्ट्रीय रेट 36% होगा, पर हमारे यहाँ पर रिकवरी जिस तरह की आपने देखा होगा कि चाहे वो एटीएम वाली रिकवरी हो, चाहे 5.25 करोड़ रुपए की जो हुई हुई थी, सब रिकवरी की स्थिति काफ़ी अच्छी है। लेकिन चूँकि जब से साइबर का अपराध आया है, जब से अपराध का ट्रेंड बदला है, और इसलिए हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है और लगातार उस दिशा में नवाचार भी पुलिस करती है। जी देखिए, मैंने डकैतियों का ही पहले उल्लेख किया था, 5.25 करोड़ की मैंने जो बात की थी वही डकैती है। और उसके बाद भी आपके दिमाग में कोई अभी तात्कालिक घटना हो तो ज़रूर मार्गदर्शन करो, हम उस दिशा में भी गंभीरता से विचार करेंगे। एकदम हवा में बात नहीं करें ना, तथ्यों पर करें, नाम लेके बात करें, नाम लेके बात करेंगे तो जवाब भी आएगा। नहीं, पूरी सुरक्षा रहेगी उनकी, जो उनको, वो तो वैसे भी सुरक्षा के अधिकारी हैं केंद्र की गाइडलाइन के तहत। लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूँगा कि जब वो मध्य प्रदेश की सीमा में आए तो बताएं कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में उन्होंने 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ किया था। किसी एक किसान को जिसका 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ वो अपने साथ लेके चले। उन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये महीने देने का कहा था। 15 महीने सरकार रही तो 15 चौक 60,000 रुपये वाला कोई एक नौजवान जिसको 60,000 मिले हों या 4,000 भी मिले हों तो वो 4,000 वाले को भी लेकर अपने साथ चले। और ज़रूरी नहीं हमारे सवाल का जवाब दें, हम चाहते हैं कि वो मीडिया को दिखाएं, मीडिया के माध्यम से हम तक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो झूठ बोलने का लिखित में जो पाप कांग्रेस ने किया है उसके लिए क्षमा मांगें। आप ही कह रहे हो कांग्रेस बिखर रही है तो मैं क्या कहूँ, उनको कांग्रेस जोड़ो अभियान प्रारंभ करना चाहिए तो शायद ठीक रहेगा। वैसे राहुल गांधी जी अभी मध्य प्रदेश में जब आए तो उनको कहाँ भारत टूटा हुआ दिखा ये जरूर बताएं। इतनी लंबी यात्रा करके जो भारत जोड़ने निकले हैं तो टूटा हुआ कहाँ दिखा था जिसको वो अभी तक जोड़ आए, या यात्रा जब समाप्त हो तब बताएं कि फलानी जगह टूटा दिखा था मुझे। नामांकन फार्म लेने जाएंगे, बाद में सब मान जाएंगे, वो उनकी प्रक्रिया है। पर आप ये भी तो सोचो कि एक राष्ट्रीय पार्टी 4 साल में अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चलाए, उस पार्टी की क्या स्थिति रही होगी। आज भी अधिकांश जगह से प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसके नाम का प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसका प्रस्ताव पास हो रहा है वो तैयार नहीं है, जो तैयार है उसको बनाना नहीं है। बड़ी विचित्र दुविधाओं में कांग्रेस फंसी है और मुझे नहीं लगता कि अब ये इस दुविधाओं से उभरेगी। ये डूबता जहाज है, इसका डूबना तय है, ये बिखरती चली जा रही है। जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है, नबी साहब ने गुलामी से आज़ादी ले ली है, 8 विधायक कांग्रेस के गोवा में कांग्रेस छोड़कर चले गए, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस छोड़ने अभी पूर्व विधायक जो सागर के थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिए, आनंद शर्मा अपने सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये लगातार भगदड़ का आलम है,
आते यात्रा समाप्त होते होते तक वही स्थिति होगी कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।